हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे एमए इकोनॉमिक्स फ्रॉम इग्नू, जो एमए इकोनॉमिक्स प्रोग्राम न्यू प्रोग्राम कोड MAEC सेमेस्टर 4 में आपको 4 ग्रुप मिलेगा ABCD, जिसमें भी किसी भी एरिया में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो ग्रुप ए में आपको डाटा एनालिटिक्स है, ग्रुप बी में एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, सी में इंश्योरेंस एंड फाइनेंस और डी में सोशल पॉलिसी। आप किसी भी एरिया में स्पेशलाइजेशन कीजिएगा, लेकिन आज का वीडियो में मैं एक ऐसा कोर्स कोड का डिस्कस करूंगा सिलेबस का और अलोंग विद सजेस्टेड बुक के साथ, जो चारों ग्रुप में भी आपको वो वाला 4 क्रेडिट आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो आज का जो वीडियो का मतलब सिलेबस का जो एनालिसिस करेंगे वो है MAEC 101 इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक मेथड 4 क्रेडिट है, इसी का सिलेबस का आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें और लाइक दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली आपका नंबर ऑफ ब्लॉक्स आपका 4 हैं और टोटल नंबर ऑफ यूनिट 16 है। तो पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं, 5 ब्लॉक्स यानी कौन सा है, क्या क्या पढ़नी है, उसके बाद देयर आफ्टर हम लोग सजेस्टेड बुक हम लोग देखेंगे। तो ब्लॉक नंबर 1 इंट्रोडक्शन है और इसमें 3 यूनिट है। यूनिट नंबर 1 में इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्री, यूनिट नंबर 2 में रिव्यू ऑफ स्टैटिस्टिकल फाउंडेशन ऑफ इकोनोमेट्री, यूनिट नंबर 3 में रिव्यू ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। ब्लॉक नंबर 2 में 4 यूनिट है और ब्लॉक नंबर 2 का जो टाइटल है क्लासिकल रिग्रेशन मॉडल। इसमें यूनिट नंबर 4 में एस्टीमेशन ऑफ 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल, यूनिट नंबर 5 में रेजिडुअल एनालिसिस, यूनिट नंबर 6 में एस्टीमेशन ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, यूनिट नंबर 7 में फर्दर इशू ऑन रिग्रेशन मॉडल। उसके बाद ब्लॉक नंबर 3 में वायलेशन ऑफ बेसिक अजम्पशन, जिसमें 6 यूनिट है। यूनिट नंबर 8 में मॉडल स्पेसिफिकेशन इशू, यूनिट नंबर 9 में ऑटो कोरिलेशन, यूनिट नंबर 10 में मल्टी कोरिलिटी, यूनिट नंबर 11 में हिटेरोसिडेस्टिसिटी, यूनिट नंबर 12 में एरर इन वेरिएबल एंड यूनिट नंबर 13 में स्टोकास्टिक रिग्रेसर। उसके बाद ब्लॉक नंबर 4 में आपका एक्सटेंशन ऑफ रिग्रेशन मॉडल में 3 यूनिट है। यूनिट नंबर 14 में क्वालिटेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन OLS मेथड, ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर मेथड, यूनिट नंबर 15 में क्वालिटेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल इन OLS मेथड एंड यूनिट नंबर 16 में इंट्रोडक्शन टू सिमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल। अब इसमें कौन कौन सा बुक रिकमेंडेड है, तो आपका थ्राइम्स का PG इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक, गुजराती डी का इकोनोमेट्रिक बाय एग्जांपल, मेडाला GSN लिहरी का आप ले सकते हैं इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक, एंड जॉनस्टन एंड दिनार्डो का इकोनोमेट्रिक मेथड, और वुल रिज का इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक अ मॉडर्न अप्रोच। तो इसमें सबसे बेहतरीन किताब मेडाला और थ्राइम्स का है, वो आप ले सकते हैं। और बेसिक जिनका अध्ययन करना है इकोनोमेट्रिक बाय एग्जांपल। तो आज का वीडियो में यहीं तक, और इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है इसका सिलेबस। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। टेल एंड जय हिंद।